है और बीएचयू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों ने जेएनयू की घटना पर निंदा जताई है। बीएचयू में भी छात्रों पर हमले की आशंका इन छात्रों ने जताई है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि इतने ज्यादा नकाबपोश जो मुंह बांध कर हाथ में जो है लाठी डंडे लेकर कैंपस में पहुंचे कैसे, और इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही, पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इसका मतलब साफ है कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर और वहाँ दिल्ली पुलिस, इन सब की भूमिका संदिग्ध है। बेहद अप्रिय घटना है और मांग सीधी सी ये है कि जांच हो कि वो लोग कौन थे, 70-80 जो गुंडे जिन्होंने आतंक मचाया अंदर कैंपस में जाके स्टूडेंट्स को, लड़के को, लड़की को और प्रोफेसर्स को भी मारा है और जो रॉड लेके घूम रहे थे। और ये भी जांच होनी चाहिए कि पुलिस जो जामिया में किसी एंट्री की मोहताज नहीं पड़ती है, सीधे घुस जाती है अंदर लाइब्रेरी में जाके तोड़फोड़ मचाती है, वही पुलिस एएमयू के अंदर घुस जाती है। बीती रात जेएनयू की घटना को देखते हुए वाराणसी में भी खासकर जो विश्वविद्यालय हैं तीन यहाँ के, वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा बरती जा रही है। एहतियात के तौर पे तीनों विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी गई है। इस वक्त मौजूद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे, जहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में सुबह से ही यहाँ पे पीएससी के और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लोगों को डर है एहतियात के तौर पर कि कहीं छात्र यहाँ भी हंगामा न करें, क्योंकि कैब के पास जिस तरीके से बीएचयू के भी छात्रों का एक गुट जो था आंदोलन पे उतर आया था, उसको देखते हुए निश्चित रूप से एहतियात रखी जा रही है। क्योंकि पिछले दो साल से यदि बात करें तो छोटे छोटे मुद्दे पे बीएचयू भी सुलग उठता है, खासकर जेएनयू की यदि बात चलती है तो बीएचयू में भी कुछ वामपंथी छात्र जो हैं कुछ दिनों से सक्रिय हो चले हैं, जिसके कारण बीएचयू में भी अराजक तत्व जो बाहरी तत्व हैं उनका घुसपैठ लगातार हो रहा है और बीएचयू जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, आर समाचार, वाराणसी। जेएनयू में हुए बवाल के बाद एएमयू में तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट।